दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाई हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगौस होटल। वेलकम टू 18 तेलंगाना न्यूज। प्रकाश रेड्डी आईपीएस ब्रीफ द मीडिया अबाउट असद खान केस। सन टुक द रिवेंज ऑफ फादर अमजद खान मर्डर इन ईयर 2018। ऑल द अक्यूज्ड आर अरेस्टेड। वॉच द फुल मीडिया ब्रीफ रिपोर्टेड बाई एहतिशाम खान। महिलार देवरपल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में परसों जो असद खान प्रेसिडेंट ऑफ तिगल गुंटा जहनुमा का मर्डर हुआ था उसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया है और उसमें एक छोटा बच्चा भी है। पूरा 7 लोग मिलके उनका मर्डर किया था। उसमें A1 यासिन खान सन ऑफ अमजद खान रेजिडेंट ऑफ शेफी कॉलोनी वट्टेपल्ली, दूसरा मोहम्मद अदनान, तीसरा अब्दुल अली, तीसरा चौथा मोहम्मद महबूब, मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद शोएब और एक छोटा बच्चा सभी मिलके ये मर्डर किया था। इसमें 2018 में सितंबर 22 को जो A1 है यासिन खान उनका पापा को अमजद खान को ये जो परसों मर गया था असद खान उन्होंने मिला के पूरे 5 लोग मिलके उनको मर्डर करवाया था। वो सिलसिले में 3 साल से ये जो यासिन खान है जो 2018 में अमजद खान का बेटा है वो 3 साल से इनके ऊपर रिवेंज लेने के लिए प्लान कर रहा था। अभी 2 दिन पहले से इनका दोस्त मिलके ये जो अब्दुल और अब्दुल अली अदनान और वो छोटा बच्चा जुवेनल जो है वो तीनों इनका रिलेटिव्स है और बाकी इनका दोस्त है ये सब मिलके प्लान किया है। क्योंकि 2018 में जो अभी ये मर गया असद खान है उनका बेटी को जो अमजद खान है उनका बेटा का शादी हुआ था 2016 में। उसके बाद वो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है और दोनों डिवोर्स लिया है खुला ले लिया है। उसके बाद से वो दोनों फैमिली के बीच में झगड़ा चल रहा है। वो दिमाग में रख के 2018 में असद खान ने प्लान करके अमजद खान को मर्डर करवाया था। अभी अमजद खान का बेटा यासिन खान वो माइंड में रख के उन्होंने भी परसों ये मर्डर किया था। इसमें पहले 31 मार्च को एक बार अटेम्प्ट किया था। एक ऑटो किराए में लेकर 300 रुपये के लिए घर पे फंक्शन है बोल के एक ऑटो को लेकर 7 लोग ट्राई किया था पर उस दिन बहुत लोग था तो इसलिए वो नहीं किया है। और परसों उनके पास पूरा इन्फॉर्मेशन था कि वो जहनुमा से कितने बजे निकल रहे घर से क्योंकि इन्होंने जो यासिन खान था वो 2018 से पहले 2 साल उनकी यूनिक के घर में रहे थे तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन था। तो उसके हिसाब से उन्होंने प्लान करके परसों जब वो आ रहा था 2 बजे उनको एक्सीडेंट करके वो गिर जाने के बाद 7 मिलके उनके ऊपर हमला करके उनके शॉप था कारपेंटर का उधर से जो चाकू वगैरह लेकर आया था सिकिल वगैरह लेकर आके उसको अटैक किया है। उसके बाद वो सभी मिलके संगारेड्डी मेडचल के तरफ जाके फिर आज महिला देवरपल्ली में सभी पकड़ में आया और सबको हम अरेस्ट कर रहे हैं। इसमें जो मर गया असद खान उसके ऊपर पहले से भी राउडी शीटर था और पीडी एक्ट भी था और जो इसमें अक्यूज्ड है उसमें 2 लोगों के ऊपर ऑलरेडी राउडी शीटर है। एक मोहम्मद अदनान और अब्दुल अली ये दोनों के ऊपर पहले से भी राउडी शीटर है और मैं पूरा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो राउडी शीटर है वो ज़्यादा बाहर नहीं घूमना है। वो पीडी एक्ट में डाल रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, कॉर्डिनेशन ऑपरेशन भी कर रहे हैं और आगे से भी बहादुरपुरा फलकनामा और काले पत्थर के पुलिस के साथ मिलके हम ये देखते हैं कि ये राउडी शीटर का एक्टिविटीज़ कम करने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। सर आए दिन शमशाबाद जोन में जो है दिन दहाड़े पब्लिक के बीच में मर्डर हो रहा है, क्या फ्रेंडली पुलिस इसका रीजन है? नहीं इसमें बिल्कुल भी नहीं, इसमें ये मर्डर स्पेशली ये जो मर्डर हुआ है असद खान का ये तो प्योरली फैमिली रिवेंज है, फैमिली डिस्प्यूट्स है और उनका पापा को 2018 में मार दिया बोल के उन्होंने ग्रज रख के अभी ये किया है और
इनसे बात कर से ये भी पता चल रहा है कि ये पूरा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल होने के चक्कर में भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी पिछले केसेस में है, राउडी शीटर से वगैरह है, नहीं तो मर्डर केस में विक्टिम से अक्यूज है, सबको बुला के उसको भी काउंसलिंग करेंगे कि आगे से ऐसे कुछ उनके ऊपर कंप्लेंट है तो पुलिस को ही देना है, पर खुद लॉ को हैंड्स में नहीं लेना है बोल के सबको हम काउंसलिंग करेंगे। और हम मीडिया से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो भी ऐसे वायरल हो रहे वो ज़्यादा तक पब्लिसाइज ना करें, ताकि वायलेंस छोटे बच्चे वगैरह नहीं देखने के लिए, वायरल ना करे के लिए हम भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, उस वीडियो से हम बोल रहे हैं कि उसको वायरल ना करें, क्योंकि बच्चे भी देख रहे हैं यूट्यूब वगैरह में, तो जो सेंसिटिव वीडियोस है, वायलेंट कंटेंट है, उसको आप वायरल ना करने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मोहम्मद अदनान और अब्दुल अली, ये दोनों 2019 में आर्म्स एक्ट केस और 307 केस में शामिल थे। उसके ऊपर राउडी शीट बैलार देवरपल्ली पीएस में ओपन किया था। ये दोनों भी यासीन खान के रिश्तेदार है, और बाकी तीन जो है उनका दोस्त है, तो ये सब मिलके एक किया था।